पिछली कक्षा में बताया था नेटवर्किंग कैसे करते हैं, हमें किस जरूरत पड़ती है एनकम्यू डिवाइस की और डी लिंक शेयर नेटवर्किंग एडाप्टर की चाहिए थी। तो बड़ा आज हम बात करें जो नेटवर्क हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग पर, नेटवर्किंग किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है। इसमें लिख सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर देन कंप्यूटर्स कॉल्ड नेटवर्किंग। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को बड़ा आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बड़ा, हम नेटवर्किंग कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। और नेटवर्किंग के लिए हमने आपको बताया था हमारे पास क्लाइंट होते हैं पिछली क्लासेस में बताया था, और हमें चाहिए होता है एक सर्वर जी। लेकिन इनको जोड़ने के लिए बड़ा हमें नेटवर्क भी चाहिए होते हैं। तो जो नेटवर्क होते हैं वो तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। भाई सिस्टम को जोड़ना है तो बड़ा नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। और नेटवर्क के अपने कुछ मीडियम्स हैं। पहला हमारे पास बड़ा लैन है, और सेकंड हमारे पास कौन सा होता है, मैन, एंड थर्ड इज दैट वैन। सो गाइज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन एंड वैन। लैन का बड़ा फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन इज दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड थर्ड इज दैट वाइड एरिया नेटवर्क। So guys, we have three types of network, that is a LAN, MAN and WAN. So guys, note down. That is a local area network. Second is MAN, जिसे कहते हैं metropolitan area network. And third is that WAN, wide area network. अब हम बात करते हैं कि आखिर ये LAN और MAN और WAN काम कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे इनका यूज करते हैं। तो बड़ा हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एक डायग्राम लिखिएगा, डायग्राम ऑफ नेटवर्किंग। तो बड़ा हमने आपको पढ़ाया था भी नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, लैन, मैन और वैन। तो बड़ा हमें यहाँ पे क्लियरिफाई करना है कि जो लैन नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो मैन है इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन इज दैट वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, जो लैन नेटवर्क है इसका बड़ा हम यूज करते हैं केवल एक ऑफिस में कर सकते हैं, एक कॉलेज में, कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस, किसी में भी कम कर सकते, बिल्डिंग घर कुछ भी है कहीं पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्टेंस होती है इसकी, एक डिस्टेंस क्या कर गई है 10 मीटर लेकर 100 मीटर तक कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बात निश्चित दूरी कहाँ तक फैला हुआ इस तार को, एक केबल जो है किसी दौर पर ही फैल सकती है, क्योंकि हमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम नेटवर्किंग लेकर जानी पड़ती है। और इसकी जो डिस्टेंस है किसकी, मैन की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बड़ा हमारे पास जो एक सिटी में नेटवर्किंग हो रही पूरे पूरे एक शहर में, नेटवर्किंग कैसे कहलाती है, ये मैन नेटवर्क है। और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक इसकी रहती है, मतलब पूरा शहर को ये कवर कर लेती है, रेडियस एंड डायमीटर। हाँ, एंड देन बड़ा हमारे पास जो वैन है दैट मीन इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो बड़ा वैन है इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो नेटवर्किंग होती है पूरे देश में फैली हुई रहती है, ठीक, इन अ कंट्री, ये देश से देश जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो हमारे पास सिंपल एग्जांपल जो इंटरनेट है वो इसी का उदाहरण है, क्लियर हो गया। और हमारे पास जो पूरे जो शहर में हमारे जो केबल टीवी कनेक्शंस लगे होते हैं, एक इसके एग्जांपल है ये मैन का। और जो सिंपल सी बात है जो हम लोग यूज कर रहे थे यूज करते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम जोड़ने पड़ते हैं। अगर बात करें इंटरनेट की तो ये इसे कहते हैं हम लोग लैन पोर्ट या एथरनेट पोर्ट, जिससे हम नेटवर्किंग करते हैं। क्या करते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जोड़ने के लिए हमें एक नेटवर्किंग पोर्ट चाहिए होता है, जिसको हम एथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट कहते हैं, क्लियर हो गया। और इसका सिंपल से एग्जांपल है जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, जो वाई मतलब जो इंटरनेट तो यहाँ पर है जो चल रहा है, जो वाईफाई हम दे रहे हैं या जो केबल कनेक्शन कर रहे हैं, वो किससे होगा,
लैंड नेटवर्क से, जो पूरे सेल नेटवर्किंग हो रही है वो मैन से, और जो वैन है इस सिंपली पूरे देश में नेटवर्किंग चल रही है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल सिंपल सा वैन का, क्लियर हो गया आप लोगों का? तो इतना रखते हैं, ये हमारा है नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज अ लैंड मैन एंड वैन, क्लियर।